एब्जॉर्प्टिव स्टेट में जब एटीपी हाई होता है तो मेटाबॉलिज्म किस तरफ जाता है हमने देखा। अभी हम देखेंगे पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, यानी स्टार्विंग स्टेट में, या हाई कार्बोहाइड्रेट मील के 90 मिनट्स बाद, जब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल या कम होता है। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये, सॉरी ग्लूकागॉन और इपिनेफ्रीन जो है ये मेन हार्मोन्स होंगे। यानी ग्लूकागॉन वर्ड में सेल्स किन मेटाबॉलिक पाथवेज में होते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा था कि ग्लूकागॉन वर्ड में जो है फैटी एसिड जो है वो आपको एस्टाइल को ए देता था और उसी से एटीपी बनता था। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए फैटी एसिड जो है एस्टाइल को ए दे रहा है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एटीपी बन रहा है। ठीक है, लीवर में भी यही फैटी एसिड जो है आपका मेन सोर्स है एस्टाइल को ए का, उससे कीटोन बॉडीज उससे एटीपी बन रहा है। ठीक है, अच्छा जब लेकिन ये रेड ब्लड सेल्स है, इनके बारे में हमने कहा था कि ये तो टोटली ग्लूकोज पे डिपेंड करते हैं, तो इनको ग्लूकोज चाहिए और ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए फंक्शन करने के लिए। ये रेड ब्लड सेल्स और किसी चीज़ को मेटाबोलाइज कर ही नहीं सकते सिवाय ग्लूकोज के। एक ही पाथवे है इनके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा एच एम पी शंट है, वो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म में, उसकी इंपॉर्टेंस भी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट, ये लीवर प्रोवाइड करता है इसको ग्लूकोज, जो नीड है वो ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड था इसके पास, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज को डंप करेगा ब्लड में, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा इसको ब्रेन तक, और रेड ब्लड सेल्स उस ग्लूकोज को यूज़ करेंगे जो ग्लाइकोजन से आया है। और इसकी स्टोरेज अगर आप आराम से बैठे हुए हैं 12 आवर्स तक हो सकती है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये विदिन आवर भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये ग्लाइकोजन वाली ख़त्म हो जाए तो ये ग्लूकागॉन क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, देखिए लैक्टेट से बन सकता है एक सोर्स, लैक्टेट से पाइरूवेट बनेगा, पाइरूवेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा। दूसरा एलानिन जो है अमाइनो एसिड्स, बाज अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड से एलानिन, मेनली एलानिन से बन रहा है। ठीक है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड जो है एलानिन, एलानिन से पाइरूवेट, पाइरूवेट से ग्लूकोज, और ग्लूकोज डम्प किया जाएगा ब्लड में। तो ये हम ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि पाइरूवेट से एस्टाइल को ए तो बन रहा था एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, लेकिन एस्टाइल को ए से पाइरूवेट नहीं बनता, ये याद रखना है। इससे ग्लूकोनियोजेनेसिस में फैटी एसिड से नहीं बन सकता, यानी फैटी एसिड से ए ग्लूकोज नहीं सेंथिसाइज किया जा सकता है। अच्छा, लीवर ग्लूकोज बना रहा है रेड ब्लड सेल्स के लिए और ब्रेन के लिए ग्लाइकोजन से और ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए, लेकिन मसल्स के लिए ये इस तरह करता है फैटी एसिड से एस्टाइल को ए जब बना रहा है। ठीक है, तो एक कीटोन बॉडीज साथ में जनरेट कर रहा है एस्टाइल को ए से। ठीक है, एस्टाइल को ए को एक तो ये एटीपी बनाएगा, एटीपी जब इसके लीवर की नीड्स जो पूरी होंगी एटीपी की, तो फिर ये इस एस्टाइल को ए को कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट करता है, उसको ब्लड में डाल देता है, ब्लड जो है कीटोन बॉडीज़ को ले जाएगा। ये मसल सेल्स इसको शौक से यूज़ कर रहे होते हैं, कार्डियक मसल सेल्स स्पेशली, और किडनी भी इसको यूज़ कर रही होती है कीटोन बॉडीज़ को। ठीक है, ब्रेन कीटोन बॉडीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये हमारा एलिफेंट व्यू हो गया पूरे मेटाबॉलिज्म का। अब हमें समझ आएगी कि कौन से पाथवेज कहाँ कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये मेन सोर्स फैट है इस स्टेट में ना, तो फैट से फैटी एसिड बनेगा। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल तो लीवर में चला जाएगा, ये दोबारा फैटी एसिड जो है ये ब्लड में आएंगे, फैटी एसिड्स यहाँ लीवर से मसल्स में यूज़ हो रहे हैं, अच्छा ब्लड से मसल्स में यूज़ हो रहे हैं और लीवर में यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, ये फैट को मोबिलाइज करना, फैट से फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बनाना, ये काम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज से एक एंजाइम उसका। ठीक है, और उसको एक्टिवेट करता है ग्लूकागॉन। तो ये हमारा ख़त्म हो गया।